हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं घेवर। जैसे कि हलवाई की शॉप पे बनाया जाता है ना बहुत इजी तरीके से, वैसे सेम टू सेम हम घर पे बनाने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। और आप सभी को बताऊंगा आप घर पे कैसे बना सकते हो और हम मार्केट में कैसे बनाते हैं, ये मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी किचन में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, बस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें घी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी एक बाउल में मैंने डाला है। अब इसको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल के, मतलब 2-3 पीस बर्फ़ के टुकड़े डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्रीमी बनाना है इसको। तो बर्फ़ डालोगे तभी ये बिल्कुल क्रीमी बनेगा, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा अगर आपने बर्फ़ ना डाला तो। तो इसको हमें मेल्ट नहीं करना, इसको अच्छे से क्रीमी बनाना है। अगर आप 2-3 मिनट तक करोगे तो देखिए बिल्कुल इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी बन जाएगा। तो अब क्या करना है, बर्फ़ के टुकड़े निकाल के फेंक देने हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम, 1 कप मैदा है, 150 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और उसके बाद इसमें हम हल्का सा डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेसन, इससे बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है, इसी वजह से मैं बेसन डाल रहा हूँ। 1 छोटी चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। और उसके बाद क्या करना है, पानी डालना है इसमें, नॉर्मल पानी आप डाल सकते हो, इसमें हल्का सा गुनगुना पानी ले लो तो अच्छी बात है। तो उसको क्या करना है, अच्छे से थिक बैटर पहले तो हमें बनाना है, बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं आटा गूंथते हैं ना वैसे एक बार तो थिक बना लें बिल्कुल बिल्कुल बैटर। और उसके बाद इसको हमें पतला करना है। थिक बनाने से क्या होगा, इसमें बिल्कुल लम्स वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि हमने इसमें और कोई आइटम डाला ही नहीं है कि जो लम्स को तोड़ सके। तो इसको हमें हाथों से ही इसका लम्स तोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको हाथों से मिक्स कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी सारा पानी डाल रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और अब क्या करना है कि बिल्कुल लम्प फ्री हमने बना लिया है, पानी मैंने और डाल दिया है। अब पानी के साथ इसको हमें पतला बैटर बनाना है और इसको बहुत ही पतला करना होता है, काफ़ी ज़्यादा पतला हमें बैटर चाहिए होता है इसके लिए। तो बस अब इसमें हमें और कुछ नहीं डालना, बस यही 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ये 2 चीज़ें मैदा और घी ही चाहिए होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। बेसन अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी बन जाएगा बिल्कुल। इसमें अगर कोई चीज़ खट्टा डाल सको या नींबू का रस 1 चम्मच अगर आपके पास है तो डाल दो तो बढ़िया बनेगा। तो जो बैटर है देखिए कितना पतला मैंने रखा है, बिल्कुल हाथों में मैं उठा रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना पतला है ये। तो बस अब इसको क्या करना है, साइड में रखना है। और मैंने गैस पे एक छोटा सा पतीला रखा है जिसमें हम घेवर बना सके। पहले मैंने जो पहले वीडियो में बनाया था वो मैंने स्टील के बड़े वाले पतीले में बनाया था, तो उस वजह से वो बड़े बड़े बन रहे थे। तो इसीलिए मैंने इस बार छोटा पतीला ढूंढ के लाया हूँ, कहीं से स्टोर में पड़ा था तो उसको मैं ढूंढ के ला के इसमें घी डालना है अच्छे से। तो मैंने घी को आधा ही डाला है, ओनली घी डालना है, रिफाइंड मिक्स नहीं होना चाहिए। तो बस गर्म होने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। तब तक मैंने यहाँ पर बॉटल लिया है एक जिसमें हम बनाने वाले हैं। बॉटल से आप इसको बना सकते हो, हलवाई तो वैसे करछी से ऊपर ऊपर से डालते रहते हैं लेकिन हम बॉटल का यूज़ करेंगे क्योंकि इजी रहता है घर में बनाना बॉटल से। तो सॉस वाली बॉटल आपके पास पड़ी हो या कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल हो आप उसमें भर सकते हो बैटर को। और उसके बाद जो है इसमें बॉटल में छेद कर ले थोड़ा सा, कोल्ड ड्रिंक वाली जो बॉटल है उसके ढक्कन में छेद कर ले, उसी से आप धीरे धीरे करके डाल सकते हो। तो ये जो सॉस वाली बॉटल है मेरे पास इसमें ऑलरेडी छेद है तो इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे। तो जब तेल बिल्कुल तेल नहीं मतलब घी अच्छे से जब बिल्कुल धुएंधार गर्म हो जाए तब इसमें डालना है, बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए और ऊपर से बिल्कुल पतली लेयर में डालना है, पतली बिल्कुल हल्की हल्की धीरे धीरे डालना है। तो थोड़ा सा जैसे डालें उसके बाद थोड़ा रुक जाए, बस फिर से जैसे झाग नीचे जाए फिर से डालें, ऐसे ही आपने धीरे धीरे करके डालते रहना है इसमें। जैसे आप धीरे धीरे करके इसमें डालोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बबल्स काफ़ी ज़्यादा आने लग जाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया या फिर रुक गए आपने डालना तो ये साइड वाले जो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और जो बीच में आप डाल रहे हो वो ब्राउन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, धीरे धीरे इसमें ऐसे ही डालते रहना है। देखिए मैं ऊपर ऊपर से इसको ऐसे डाल रहा हूँ ताकि ये धीरे धीरे इसमें ज़्यादा रहे और जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल हाई पे रहना चाहिए ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो कम ना होता होने पाए। और बिल्कुल इसको धीरे धीरे मैं इसीलिए डाल रहा हूँ तो तेल का टेम्परेचर, जो घी का टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन रहे, बना रहे बिल्कुल अच्छे से। तो इसीलिए टेम्परेचर हाई पे रखना ज़रूरी है। तो गैस को हाई पे रखें और इसको अच्छे से धीरे धीरे करके डालते रहना है। और जितनी मोटी आप लेयर घेवर की बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप इसमें बैटर डालें। तो मैंने डाल दिया है एक बॉटल, आधी बॉटल से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने इसमें। तो अब जितना मैंने बैटर बनाया है इसमें 3 घेवर बनके रेडी हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा, मैं अभी एक ही बना रहा हूँ क्योंकि खाने वाला भी कोई नहीं है, मुझे अकेले को खाना पड़ेगा।
तो इसीलिए अब इसको क्या करना है, ब्राउन कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ऐसे कोई भी चीज़ लेना है उससे ब्राउन करते रहना और उसके बाद निकाल लेना है। तो देखिए ब्राउन अच्छे से हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। अब देखिए बिल्कुल ये रेडी है, लेकिन बीच में हल्का सा वाइट दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं दिखेगा अगर आप अच्छे से एक दो बार बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर मीठा पानी या फिर चाशनी वगैरह आपके पास हो तो वो डाल देना, या फिर अगर नहीं है तो चीनी को, एक कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी को एक बार उबाल लेना है, तो उसके बाद चाशनी वही जो बनेगी वो उसमें डाल देना है ऊपर ऊपर से मीठे करने के लिए इसको। और उसके बाद ही मेरे पास रबड़ी है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, दो दिन पहले ही अपलोड की है, तो आप वो रबड़ी वाली वीडियो देख सकते हो। तो ये मैंने आधा किलो दूध से काफ़ी सारी रबड़ी बनाई थी, तो ये कैसे बनाना है ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। उसके बाद ये रबड़ी हम लगा देंगे। रबड़ी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता बादाम डाला है और कटे हुए पिस्ता बादाम से इसको गार्निश किया, और उसके बाद मैंने हल्का सा इसके ऊपर एक दो धागे केसर के डाले हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और बिल्कुल हमारा जो घेवर है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो देखा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।